मैं अलग अलग रोज तरह तरह के पकवान बनाती तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे पसंद का तो बनाती हूँ। अरे ये बुढ़ो और बुढ़िया सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हैं? अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे क्या हुआ ग्रैनी ग्रैंडपा? अरे बाबू तुम क्या बोल रहे हो, मैं अलग अलग रोज तरह तरह के पकवान बनाती तुम्हारे लिए। अरे क्या हुआ, कोई कुछ बताएगा? बस अब बहुत हुआ, मैं इस बुढ़िया से तंग आ चुका हूँ। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इससे अलग होना है। ये मेरे जी का जंजाल बन चुकी है। Oh no! अरे ग्रैंडपा ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अब मेरा इसके साथ रहना नामुमकिन है। मैं इससे अलग हो जाऊँ वही सही रहेगा। अरे अरे जानू तुम क्या बोल रहे हो? इट्स माय फाइनल डिसीजन, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। इट्स ओवर नाउ, गुड बाय। अरे बाबू रुको, अरे इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता, गुड बाय। अरे ग्रैंडपा, ग्रैनी क्या हुआ ग्रैंडपा को? बिट्टू ऐसे आजकल पता नहीं क्या हो गया है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगा है। इतनी देर हो गई, ग्रैंडपा अभी तक आए क्यों नहीं? बिटवा मुझे नहीं लगता कि बुढ़ावा घर वापस आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आजकल मुझसे अलग होने के बहाने ढूंढ रहा है, बिना बात के मुझसे लड़ाई करता है। Oh no! ग्रैनी अब बेचारे ग्रैंडपा की कुछ खाने की फरमाइशें होती हैं, तो उसे पूरा कर दिया करो। बिटवा कल रात को हमने डिनर में क्या बनाया था? चमगादड़ कटलेट। तो वो किसका फेवरेट है? ग्रैंडपा का। और परसों रात को क्या बना था? ग्रैंडपा का फेवरेट ब्लैक बीन नूडल्स। और पिछले हफ्ते हम घूमने कहाँ गए थे? भांगड़ किला, वो भी ग्रैंडपा का फेवरेट है। ग्रैनी सब कुछ उसके पसंद का हो रहा है, फिर भी हर वक्त चिढ़ा रहे हुए है और मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढे है। Oh no! पता नहीं इस बुढ़ो के मन में क्या चल रहा है, मेरी ग्रैनी के खिलाफ क्या साजिश चल रहा है ये। कुछ तो गड़बड़ा बिटवा, कुछ तो गड़बड़ा है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। बाबू तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लड़ाई का बहाना ढूंढा और झगड़ कर यहाँ आ गया। अब बताओ आगे का क्या प्लान है? तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। हाँ सर जीजू, मतलब बेबी तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? हाँ मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। That's so sweet, मैं आपसे शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर बताओ कब करनी है शादी? जितनी जल्दी हो सके, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। चलो ये गुड न्यूज़ जाके दी को भी देते हैं। हाँ हाँ चलो वहाँ जाकर बता देते हैं कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, जितना जल्दी सबको पता चल जाए उतना अच्छा है। जानीमन मैं तुम्हारा 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहती हूँ, ये तोहफा है तुम्हारे लिए, माय वेडिंग गिफ्ट फॉर यू। अरे वाह ये तो सबसे बेस्ट गिफ्ट है, तुम तो दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ बनोगी। कम ऑन अब बिना, चलो शादी की तैयारियाँ करते हैं। अरे ग्रैंडपा, बारबी ग्रैनी आप दोनों साथ में? हाँ, हम यहाँ तुम लोगों को गुड न्यूज़ देने आए हैं। ये सब क्या हो रहा है बाबू? एक्सक्यूज मी दी, अब तुम इनको बाबू बोलने का हक खो चुकी हो, अब ये तुम्हारे नहीं मेरे बाबू हैं, क्योंकि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो ये साजिश चल रही थी बुढ़ो के मन में, इसलिए वो ग्रैनी से लड़ने के बहाने ढूंढ रहा था। ओह नो! क्या शादी? हाँ हम दोनों शादी कर रहे हैं और ये डिसीजन फाइनल है, तुम लोग भी शादी में इनवाइटेड हो, तो हमारी शादी में जलूर जलूर आना। ऐसा मत करो मेरी ग्रैनी के साथ, वो बेचारी किसके सहारे जिएगी? That's none of my business. मेरी शादी बारबी के साथ होके ही रहेगी। रहने दे बिटवा, जब इन्होंने शादी का फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रैनी कर लो इसे शादी, जी लो अपनी जिंदगी, और हाँ तुम्हारी शादी की तैयारी मैं करूँगी, मैं तुम दोनों का लगन करवाऊंगी। अरे वाह ये तो सबसे बेस्ट न्यूज़ है, अब तो शादी में मजा ही आ जाएगा, है ना जाने मन? हाँ हनी आपने बिल्कुल सही कहा। ग्रैनी आप ऐसा कैसे कर सकते हो, अब ग्रैंडपा को दूसरी शादी करने की परमिशन कैसे दे सकते हो?
जब तक उनका आपके साथ डिवोर्स नहीं होता वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। अरे बिटवा, तू तो इस बुढ़ाओ को जानता है ना, दो दिन से ज्यादा से कोई नहीं झेल सकता। दो दिन कहीं बिता ले तो बहुत बड़ी बात होगी, और जिसके साथ शादी कर रहा है ना वो तो इससे भी बड़ी चापली है। दो दिन में से उकता जाएगी, अल्लाह मार के अपने घर से बाहर निकाल देगी। इसलिए मैंने शादी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। करेक्ट बिटवा, इसे शादी शादी खेलने दे, बाद में बुद्धू लौट के घर ही आएगा। चल शादी की तैयारी शुरू करते हैं। और कैसे हैं भैया जी? All good मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, घर में सीक्रेटली किस चीज की तैयारी चल रही है? वो मगरू भाई, घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। शादी? अरे वाह भैया जी, लेकिन घर में किसकी शादी हो रही है? ग्रैंडपा की। का ग्रैंडपा? हमने कुछ गलत सुना का? अरे नहीं नहीं मगरू भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रैंडपा दूसरी शादी करने जा रहे हैं। किस अभागन से? बारबी ग्रैनी से। क्या? बहिनी बहिन का घर उजाड़ रही है? वही तो। चलो मगरू भाई चलता हूँ, शादी की तैयारियां करनी है। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। शादी का दिन मुबारक हो ग्रैंडपा। अरे थैंक यू। अभी भी सोच लो, आप जो करने जा रहे हो वो गलत है। चुप करना समझ लड़के, शुभ काम में काम मत आना। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में खुशी का दिन आया है। शादी मुबारक हो जानू, अब मतलब बुलेट राजा। थैंक यू एक्स वाइफ। मैंने तुम्हारी शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से की है, कोई कमी नहीं रहने दी। हाँ शादी की तैयारियां एक नंबर है, सच में कोई कमी नहीं छोड़ी तुमने। ग्रैनी आप जो कर रहे हो वो गलत है। जब इसे ही मुझसे प्यार नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? जा जाकर देख तेरी नई ग्रैनी रेडी हुई कि नहीं। जा जल्दी से मेरे दुल्हन को मंडप पर लेकर आ, मैं उसका दीदार करने के लिए बेकरार हूँ। बार्बी ग्रैन, मेरी शादी बस होने ही वाली है, मेरा प्लान सुन लो। मेरा प्लान ये है कि चलो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। ओह तो ये बात है। मेरी दुल्हन कहाँ है? मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। दुल्हन को जल्दी बुलाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी वर आ गए हैं, वधू बस आती होगी। पंडित जी अब शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। पता नहीं ग्रैनी ने दूसरी शादी के लिए हाँ कैसे किया, इट्स नॉट लीगल। पापा जी तुसी चंगा नहीं किया, अपने बारे में सोचा और मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ओह नो, मैं तो सिर्फ खाना चूसने आई हूँ। मेरी बला से बुढ़ाओ दो के चार शादियाँ करे मुझे क्या? अरे उस बुढ़ाओ ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक न छोड़ा, मेरे नए बॉयफ्रेंड के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। इस उम्र में कोई दूसरी शादी करता है का? दिल्ली राज्य में आ गई, बताओ तुम्हें कैसी लग रही हूँ? ओह माय गॉड, क्या लग रही हूँ मेरी दिलरुबा। अब मैं रस्में शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इनकी पहली पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि इनको शादी से कोई एतराज तो नहीं है? मुझे कोई एतराज नहीं है। चलिए अब वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाइए। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। अरे छोटी तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बार्बी ने गिरफ्तार करने आई हूँ। मुझे गिरफ्तार? लेकिन मैंने किया क्या है? आहा, बड़ी भोली बनरी से, इसने अपने पांचवे पति को जहर देकर मारने की कोशिश की से। वो तो उसने डॉक्टरी सहायता जल्दी मिल गई तो वो बच गया से। और जिज्जे ये तेरे से शादी करके तन्ने भी मारने की प्लानिंग करे से। ये सब झूठ है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी बार्बी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये शादी ना हो इसलिए तुम लोग ये षड्यंत्र रच रहे हो। अरे देखो तो इस बुढ़ो को, कैसे उसके रंग में रंगा हुआ है। मेरी बार्बी इनोसेंट है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। ग्रैंडपा आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो रुको अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। भैया जी अभी वीडियो प्ले करता हूँ। वकील साहब पीछे दे
शहर में मेरी शादी होने वाली है। बुढ़ाओ की जो मैंने 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है उसे रास्ते से हटाकर 1 करोड़ रुपए मेरे हो जाएंगे और जल्दी सारी प्रॉपर्टी भी मैं अपने नाम करवा लूंगी। ये फेक वीडियो है, ये मैं नहीं हूँ, ये सब झूठ है। बिटवा ये सब तूने कब रिकॉर्ड किया? जब मैं बारबी ग्रैनी को लेने गया था ना तब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी और मैंने उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। बचाओ, तुरंत इसे गिरफ्तार कर लो। अरे ये तो मुझे मारना चाहती है, मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी यार। चलो गिरफ्तार कर लो इसने। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। बिटवा अगर आज तू ना होता तो ना जाने मेरा क्या होता। ग्रैंडपा आप दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे थे ना, मेरी ग्रैनी से अच्छी पत्नी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। बिटवा तू सच बोल रहा है, जाना प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, मैं इस बुढ़ो को बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। ग्रैनी ग्रैंडपा को माफ कर दो ना। ठीक है बिटवा, तू कह रहा है तो मैं इसे माफ कर देती हूँ, लेकिन इसे अब मेरे कहे पे चलना होगा और अब इसके नखरे नहीं चलेंगे। मुझे सब मंजूर है स्वीटी, अब से तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। ठीक है। ग्रैनी मंडप भी रेडी है, दूल्हा भी रेडी है, बस कमी है तो दुल्हन की, क्यों ना आप दोनों की फिर से शादी करवा दी जाए। ठीक है बिटवा, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, सदा खुश रहिए। हाय गाइस, आई होप आपको ग्रैंडपा की कंफ्यूजन ने खूब हंसाया हो। तो फटाफट से मोक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ग्रैंडपा की दूसरी शादी में आकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोक मी।